मित्रों, हम सब आप सहित पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है जो शायद मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार आई है। इस संक्रामक बीमारी से आज सारी दुनिया आतंकित है, परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी मुख्यमंत्रीगण और देश के 130 करोड़ हमारे नागरिक भारतवासी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बात सही कि कोरोना के खिलाफ जंग हमने जीती नहीं है, लेकिन जो उपाय किए हैं उसके कारण देश भी यह नियंत्रित जरूर हुई है। और एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, हमारे पत्रकार मित्रों सहित हमारा जो अमला है सारा और जनता है, शासकीय अमला हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के मित्र, राजस्व का अमला, नगरी निकायों का अमला, सफाई कर्मी, सरकारी अमला, जनता, स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाएं, पत्रकार मित्र, जिस मिशन भाव से, अपवाद अगर छोड़ें, इस लड़ाई में जुटे हैं वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पत्रकार मित्र भी जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के इस लड़ाई में मानव और मानवता कैसे जीते इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने शपथ ग्रहण की और रात को 10 बजे मैं सीधा बल्लभ भवन आया। तब तक कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में पैर पसार चुका था। हमने तत्काल व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास प्रारंभ किया और तब से लेकर अब तक लगातार दिन और रात एक ही संकल्प कि आप सबके प्रदेशवासियों के सहयोग से हम इस युद्ध को जीते। मध्य प्रदेश में अब तक 22 जिलों में यह संक्रामक बीमारी फैल चुकी है और उनमें भी इंदौर देश के हॉट स्पॉट में से एक है और भोपाल में भी संक्रमण ने काफी पैर पसारे हैं। इससे लड़ने की हमारी प्रदेश में त्रिस्तरीय रणनीति है। एक, इंदौर और भोपाल दोनों महानगर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभावितों की 80% संख्या इन दोनों नगरों से आती है, उसमें भी विशेषकर इंदौर में इलाके विशेष में कुछ मोहल्लों में यह बुरी तरह फैल गया था। कुछ अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी और कुछ तत्काल जो एक्शन लिए जाने चाहिए थे शायद वो नहीं हुए, इस कारण कई लोग इससे, इसकी जो भयंकरता उससे परिचित नहीं थे, इस कारण देर से आए। और इंदौर में काफी लोग इससे प्रभावित हुए। इंदौर और भोपाल दोनों के लिए हमारी रणनीति है कंटेनमेंट एरिया, प्रभावित इलाके चिन्हित करना, हॉट स्पॉट चिन्हित करना, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद उनको अलग करना, उनको सील कर देना, आइसोलेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद वहां टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद लक्षण पाए जाए तो फिर ट्रीटमेंट।
IITT, ये हमारी कार्य योजना है। इंदौर और भोपाल दोनों नगरों को हमने सील किया हुआ है, ताकि कोशिश ये है कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर लोग ना जा सके, क्योंकि प्रभावित अगर बाहर पहुंचता है तो उसके कारण भी कुछ जगह ये कोरोना का संक्रमण पहुंचा है। भोपाल में तबलीगी जमात और विदेशी जमात भी 57 लोग जब हमने ढूंढे तो पाए गए, उनके कारण भी केवल भोपाल में नहीं आसपास के इलाकों में संक्रमण फैला। और दुर्भाग्य से स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा डायरेक्टरेट जो थी हमारी हेल्थ की, उसी के लोग संक्रमित हो गए, और इसलिए भोपाल में भी पेशेंट्स की संख्या बढ़ी। दोनों जगह हमने हॉटस्पॉट का चयन किया है और उनको पूरी तरह से लॉक किया है, सील किया है, ताकि बाहरी बीमारी ना फैले। दूसरी श्रेणी में वो जिले आते हैं जहां पेशेंट है लेकिन एक निश्चित इलाके में है, कम संख्या में है, वो 20 जिले हैं, आप जानते हैं उनके। उन 20 जिलों में भी हमने हॉटस्पॉट को चिन्हित किया है, कंटेनमेंट एरिया बना के उस इलाके से अंदर और बाहर कोई ना निकले, ताकि संक्रमण ना, क्योंकि आप जानते हैं संक्रमण संपर्क की चेन तोड़ना इसका सबसे प्रभावी उपाय है। और उसके साथ साथ बाकी इलाकों में भी लॉकडाउन का पालन करें। तीसरे, हमारे 30 जिले अभी ऐसे हैं जिस महामारी से अभी अछूते हैं, उन जिलों में कोई अंदर ना आए, वहां से कोई बाहर ना जाए। 3 स्तरों में हमने इसको बांट के कार्रवाई प्रारंभ की है। व्यापक पैमाने पर सर्वे और सर्विलेंस दोनों का काम हमने प्रारंभ किया है। हमने विदेश से आए हुए 26,000 लोगों को का सर्वे किया, प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया। सौभाग्य से प्रवासी मजदूरों में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। फिर हमने जो सबसे जरूरी चीज है वह है टेस्टिंग की सुविधा। जब मैं आया था 23 तारीख को 60 टेस्ट हो सकते थे, यहां 1 लैब हमारे पास, आज बढ़कर 7 लैब हो गई है, और 1020 टेस्ट अब हम कर सकते हैं, लेकिन ये अपर्याप्त है, इसलिए हम इसकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी अधिकार विकेंद्रित कर दिए हैं, ICMR से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, भोपाल एम्स को अधिकृत कर दिया है, इसलिए जहां जहां भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में भी ये टेस्टिंग लैब बन सकती है, हम उनको प्रेरित कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुविधा को और बढ़ाएंगे। और तीसरे, हमने जहां लैब है और कैपेसिटी है वहां हमने अब यहां से स्वाब लेके टेस्ट किट में रख के उनको भेजने का, आज ही हमने दिल्ली स्टेट प्लान से 1700 ऐसे नमूने भेजे हैं, विमान से जाएंगे और वहां लैब में टेस्ट होकर आ जाएंगे। बाकी और कहां कहां लैब हो सकती है इसके भी चिन्हित किए हैं, तो विशेष विमान से ले जाके, क्योंकि टेस्ट की संख्या बढ़ाना ये बहुत जरूरी है। टेस्ट होंगे तभी तो पता चलेगा कि संक्रमित है कि नहीं है, टेस्ट नहीं के तो पता ही नहीं चलेगा और वो फिर संक्रमण फैलता रहेगा। दूसरा जरूरी थे PPE किट। अब मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 PPE किट हम रोज बना रहे हैं। भारत सरकार से भी हम लगातार संपर्क में हैं और जल्दी ये 5,000 PPE किट की संख्या बढ़ा के हम 10,000 तक कर लेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बाहर भी हमारे पुलिस के जवान और बाकी साथी जो दिनों रात अपनी जान झोंक के दूसरों की जिंदगियां बचाने में लगे हुए हैं, उनको कम से कम ये सुरक्षा कवच दे पाए,
उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, मास्क की अब कोई कमी नहीं है और होममेड मास्क का प्रचलन भी मध्य प्रदेश हमने काफी बढ़ाया। अगर 3 लेयर करके ढंग से नाक और मुंह कवर कर लिया जाए, बांध लिया जाए, तो वो भी मास्क का काम करता है। बस जरूरत इस बात की है कि साबुन से उसको 6 घंटे के बाद धो लिया जाए। तो होममेड मास्क का भी उपयोग हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमारे प्रदेश में ही बनती है, उसके बनने में बाधा ना आए इसलिए हमने आवश्यक व्यवस्थाएं की, उसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हमारे पास है। और 23 कोविड अस्पताल हमने चिन्हित किए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। हर संभाग में कोविड हॉस्पिटल तो है ही, जहां पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनको भर्ती करा के उनको उपचार का काम होगा। हमने बड़ी संख्या में आईसीयू बेड की व्यवस्था की है। अगर जरूरत पाए जाए, जरूरत पड़े तो 29,975 हमारे पास आइसोलेशन बेड उपलब्ध है। आईसीयू बेड भी हमारे पास 712 है। जरूरत पड़ने पे इसकी संख्या और हम बढ़ाएंगे। हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए अगर घर ना जाए तो होटल जैसी व्यवस्थाएं भी व्यापक पैमाने पर हमने करने की कोशिश की है। हमने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां जो आयुष ने रिकमेंड की, आयुष विभाग भारत सरकार, उसका भी व्यापक पैमाने पर वितरण करवाया है। 60 लाख से अधिक व्यक्तियों तक ये पहुंचाने का काम किया है। तो जितने प्रयास इसको रोकने के हो सकते हैं, जो हर संभव प्रयास हो सकते हैं, हम कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ बिना जनता के सहयोग के इस महामारी से नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए कोर टीम मैंने वल्लभ भवन में हमने बनाई है। मैं रोज समीक्षा करता हूं, अलग अलग जिलों से बात करता हूं। कोविड के जो हमारे योद्धा है उनका उत्साहवर्धन करता हूं रोज, उनसे चर्चा और बातचीत करता हूं। समाज के अलग अलग वर्ग से संवाद करने का प्रयास करता हूं। लेकिन इस कोर टीम के अलावा जिलों में भी हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दिए। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में केवल सरकारी अधिकारी नहीं, हमने डॉक्टर, समाज से भी कुछ और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं प्रदेश के सभी समाजसेवियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, पत्रकार मित्रों को, जिनने प्रेरित करने का काम किया है कि व्यापक पैमाने पर भोजन और राशन पहुंचाने का काम हमारी स्वयंसेवी समाजसेवी संस्थाओं ने किया है। मैं उनका आभारी हूं। हमने ये प्रयास भी किया कि आर्थिक गतिविधियां ठप पे लॉकडाउन के कारण, और उन ठप हुई गतिविधियों के कारण मजदूर पर रोजी रोटी का संकट है, और इसलिए व्यापक पैमाने पर 3 महीने का राशन प्रदेश के 5,40,00,000 लोगों को एक साथ ही प्रदाय कर दिया गया। कुछ लोग उसमें छूट रहे थे तो 32 लाख और हमने जोड़े, उनको राशन प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। और 2 महीने का राशन और अभी इस अप्रैल के महीने में फिर से 1 किलो दाल से चावल और गेहूं इसका प्रदाय कर दिया जाएगा। लगभग 4 करोड़ खातों में अलग अलग, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता क्योंकि पहले वो आ चुका है, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण पैकेज भी और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि भी डालने का काम किया है, ताकि रोज जो कमा के खाते थे उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाए। मित्रों, अभी लॉकडाउन की 14 अप्रैल तक की अवधि समाप्त होने वाली है, 21 दिन का लॉकडाउन। लेकिन इस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें आम राय ये थी कि अभी लॉकडाउन हटाना उपयुक्त नहीं होगा,
संक्रमण के प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन समाप्त ना किया जाए। मध्य प्रदेश भी इसी मत का है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त करना प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। यह सही है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, गरीब परेशान भी है, लेकिन जनता की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जनता की जिंदगी की कीमत पर और कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन 14 तारीख के बाद जो लॉकडाउन होगा उसका स्वरूप अलग होगा। एक तो हमने कई चीजों की छूट दी है, कटाई में पहले छूट दे दी थी, प्रदेश में 80% से ज्यादा कटाई हो चुकी है, अब एक सप्ताह के अंदर मुझे लगता पूरी फसल कट जाएगी हमारी। 15 अप्रैल से उपार्जन हम गेहूं का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि किसान का उत्पाद है, किसान कहां जाएगा आगे। फसल कटाई में भी मजदूरों को आने की छूट दी, हार्वेस्टर आए, बाकी चीजें आए, और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने और ज्यादा उपार्जन केंद्र खोल के इसकी खरीदी प्रारंभ करने का फैसला किया है। कई और जरूरी चीजें हैं, जैसे अब तेंदुपत्ता टूटेगा, गरीबों की रोजी रोटी उससे चलती है, उसकी अनुमति हम दे रहे हैं। वनोपज का संग्रह, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, कई लोगों की जिंदगी इससे चलती है, उसकी छूट भी हम दे रहे हैं। और बाजार ना लगने के कारण अगर खरीदने की जरूरत पड़ी तो वनोपज संघ खरीदेगा। तो जितनी राहत और सुविधा जनता को प्रदान की जा सकती है करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। पत्रकार मित्रों को प्रणाम करता हूं, आपने जान जोखिम में डाल के सेतु बनने का काम किया है। मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि यह विशेष स्थिति है, यह सामान्य परिस्थितियां नहीं है, और आने वाले समय में भी क्या होगा इसकी निश्चित कोई जानकारी हमको तो 100% कोई नहीं कह सकता। जिस ढंग की यह बीमारी है, न्यूयॉर्क की हालत और अमेरिका की स्थिति हम जानते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जनता के सहयोग से जो प्रयास किए जा रहे हैं हम इसको नियंत्रित कर पाने में सफल होंगे। आपसे मेरी यही अपील है कि इन विशेष परिस्थितियों में आपका सकारात्मक सहयोग, जनता का मन बनाने का, इस बीमारी की गंभीरता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ में ना निकलें। आपने पत्रकारिता के उच्च मानदंडों का पालन किया है, क्योंकि जब मानवता संकट में होती है तो फिर उनका मन जनता का ठीक दिशा में बनाने का काम बड़े पैमाने पर मीडिया करता है, वो आपने किया है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस संकट से निपटने में आपका सकारात्मक योगदान निश्चित तौर पर मिलता रहेगा। केवल सोशल मीडिया में कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं रहता, कई तरह की अफवाहें, कई तरह की ऐसी चीजें कि जो कई बार विचित्र सी परिस्थितियां पैदा कर देती है। मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसी कोई खबरें हो या कोई चीज चले तो पुष्टि जरूर हो जाए। सामान्य परिस्थितियों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये असामान्य परिस्थिति है जहां हम सबको मिलकर एक रहना है। मुझे खुशी है कि सभी जाति, सभी धर्मों के लोग, मैंने धर्म गुरुओं की बैठक की, एक स्वर से सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि नहीं, हम इस पर साथ हैं, सबका सकारात्मक योगदान मिला है, स्थिति बिगड़ी नहीं है। आपका ये सकारात्मक सहयोग लगातार मिलता रहेगा और खबरें भी पूरी पड़ताल करके आप दे ही रहे हैं, ताकि ऐसे समय कोई ऐसी खबर ना आए जो लोगों के मनोबल को डिगाए, क्योंकि इस समय मिलके एक मन से
हम सबको लड़ना है इस महामारी से और इसको पराजित करना है। आप सब को एक अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना, और आपसे मेरा निवेदन है कि जनता को भी बताएं, कोरोना ऐसी बीमारी नहीं कि जो ठीक ना हो सके। समय पर उपचार अगर मिल गया तो ये बिल्कुल साधारण बीमारी है, और ये साधारण सी दवाइयां इसमें देते हैं। जो लोग ठीक हो के आए उनसे पूछिए, सेटर्जिन और क्लोरोक्वीन, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इसी तरह की दवाई है, ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर देर हुई तो ये बीमारी कहीं लंग्स में प्रवेश कर गई तो फिर ये जानलेवा हो जाती है। हमारे यहां विशेषकर इंदौर में जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा वो इसलिए कि ज्यादातर पेशेंट ऐसी स्थिति में आए कि उनकी स्थिति फिर ठीक करने लायक नहीं बची। लेकिन 38 लोग हमारे जिनमें इंदौर के भी शामिल हैं, भोपाल से भी शामिल हैं, ग्वालियर से, जबलपुर से स्वस्थ होकर निकले हैं, यह हमें आश्वस्त करता है कि इस महामारी से लोग लड़े हैं और जीते भी हैं। इसलिए ये जागरूकता भी रहे कि कोरोना हो गया तो कोई मर गया, ये बिल्कुल नहीं है। बस समय पर लोग आ जाएं और इलाज हो जाए, और इलाज जो है वो सहज है उसका तरीका, तो इससे बचा जा सकता है। आज मुझे लगा कि आपसे सीधा संवाद एक बार मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसी परिस्थितियों में शपथ मैंने ली कि और कहीं सांस लेने का मुझे मौका ही नहीं मिला, लगातार एक ही अभियान में जुटा रहा। लेकिन टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के बाद हम संभागवार कुछ, क्योंकि आप सभी को विदित है कि समय सीमित है, तो हम कुछ एक प्रश्न और सुझाव संभागवार लेंगे। मेरा अनुरोध है कि जो भी अपनी बात रखेंगे संभागवार, कम शब्दों में और त्वरित अपनी बात रखने का अनुरोध है। सबसे पहले इंदौर मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, हाँ मैं आवाज सुन रहा हूँ। मैं अरविंद तिवारी, इंदौर से। जी तिवारी, मेरा ऐसा मानना था कि इंदौर में क्षेत्र चिन्हित करने, क्वारंटाइन करने, आइसोलेशन करने का काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का मामला है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, इसमें इसे बहुत गति देने की जरूरत है। ये एक ऐसा कारण है जिसके कारण इस शहर में जो स्क्रीनिंग प्रॉपर होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस दिशा में भी काम होना चाहिए। इस पे आप थोड़ा सा निर्देश देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा एक मैसेज जाएगा और काम में तेजी आएगी। दूसरा मेरा ऐसा कहना था कि आपने कहा कि मीडिया के साथ ही सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं, ये साथी 18 से 20 घंटे रोज काम कर रहे हैं मीडिया के साथी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन साथियों को भी आप बीमा के दायरे में लाइए। ये मेरे दो सुझाव आपको थे। दोनों सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। इंदौर में जैसा आपके जानकारी, अब 11 जोन में बांट के और कई अलग बाहर से भी अफसर ला के लगाए हैं ताकि स्क्रीनिंग का काम और तेजी से और बेहतर हो सके, और जहां भी जरूरत होगी और उसको बेहतर जो किया जा सकता करने का काम करेंगे। और आप चिंता न करें, आपके साथ मैं खड़ा हूं, भगवान न करें ऐसी कहीं कोई परिस्थिति बने, लेकिन मैं हूं, आप चिंता न करें, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। इंदौर से और कोई? हाँ जी मुख्यमंत्री जी, मैं राजेश जुड़ेल बोल रहा हूँ जी। मेरी दो सुझाव है। एक तो आपने बोला कि लॉकडाउन बढ़ेगा, संभावना उसकी पूरी पूरी है, तो लॉकडाउन बढ़ने के साथ में जो आम जनता को राशन है, दवाइयां हैं, उसकी आपूर्ति कैसे हो, किसानों की सब्जियां और फल भी खराब हो रहा है खेतों के अंदर, वो भी जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरा, आपने यहाँ पर इंदौर में जो प्रशासनिक परिवर्तन किया वो तो अच्छा किया, ताकि कलेक्टर ने भी, मनीष सिंह ने आके इंदौर में जो है स्थिति संभाली है काफी हद तक, कुछ डॉक्टरों को भी आपने यहाँ यहाँ भेजा है, तो वो डॉक्टरों की थोड़ी सी उपस्थिति यहाँ पर हो जाए कि वो कब तक यहाँ पर इंदौर आ जाएंगे और अधिक से अधिक जांच हो जाए इंदौर के अंदर, थोड़ा इसको ध्यान दें। एक तो मैं अगला लॉकडाउन की जो स्थिति, आपने कल एक शब्द प्रधानमंत्री जी का सुना होगा, जान भी है और जहान भी है,
इसलिए मैंने थोड़ा उल्लेख किया था कि इस बार लॉकडाउन का स्वरूप थोड़ा अलग होगा। हम हॉट स्पॉट की बात नहीं करते, क्योंकि हम हमारा आपका सबका मिलके ये रोकना ये सबसे पहला दायित्व है कि संक्रमण रुके।